चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही पहले दिन की शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद शुक्ला 18 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला का जन्म 11 जनवरी 1945 को रहीमनगर पडियाना जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातोकर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शारदा प्रसाद वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर जिला लखनऊ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ एवं सेंट्रल जेल वाराणसी में बंदी रहे। वे क्रांति विद्या मंदिर लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसंपर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरशंकर तिवारी का जन्म 5 अगस्त 1940 को ग्राम टांडा जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1991, 1991, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी तथा 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से निर्वाचित क्षेत्र चिल्लोपार जिला गोरखपुर से 6 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरिशंकर तिवारी श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश जी, श्री राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव जी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा नेशनल डिग्री कॉलेज बड़रगंज गोरखपुर के अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह का 17 मई 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अवनीश कुमार सिंह का जन्म 13 अगस्त 1943 को सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवनीश कुमार सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985, 1991, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दातागंज जिला बदायूं से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अवनीश कुमार सिंह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार बदायूं में बंदी रहे। समाज सेवा में अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अवनीश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा